हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप बढ़िया होंगे। तो आज इस वीडियो के अंदर हम जो बात करने वाले हैं, हम बात करेंगे माइंड मैप के बारे में। मेटल एंड नॉन मेटल के हम माइंड मैप की बात करेंगे। तो सबसे पहले इस चैप्टर की जो शुरुआत होती है वो होती है इसके नाम से, यानी मेटल और नॉन मेटल दोनों के बारे में ही हम बात करते हैं। सबसे पहले मेटल की बात करते हैं। मेटल क्या होता है? कोई भी ऐसा एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन को लूज करना चाहे, क्या करना चाहे, इलेक्ट्रॉन को निकालना चाहे, भगाना चाहे अपने अंदर से, उसको हम बोलेंगे मेटल। अब मेटल के पास कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी होंगी और साथ ही साथ कुछ केमिकल प्रॉपर्टी होंगी, यानी कुछ केमिकल रिएक्शन जो है मेटल दिखाएगा, कुछ उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज होंगी। जैसे क्या क्या फिजिकल प्रॉपर्टी होती है? सबसे पहला सॉलिड होते हैं, यानी जितने भी मेटल्स हैं वो सब क्या होते हैं? रूम टेम्परेचर पर सॉलिड होते हैं, या रूम टेम्परेचर मतलब नॉर्मल टेम्परेचर पर सॉलिड होंगे। जैसे आयरन हो गया, सॉलिड होता है, एल्यूमिनियम हो गया, सॉलिड होता है। लेकिन एक ऐसा मेटल है जो कि रूम टेम्परेचर पर सॉलिड नहीं होता है, वो होता है मरकरी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि मरकरी एक लिक्विड होता है और साथ ही साथ वो मेटल भी होता है। सेकंड, हार्ड और रिजिड। क्या होते हैं? हार्ड होते हैं। जनरली जो मेटल्स होते हैं वो हार्ड होते हैं, यानी जैसे आयरन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, ये सब क्या हो गए? हार्ड हो गए। लेकिन कुछ मेटल जैसे कि लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, ये क्या होते हैं? सॉफ्ट होते हैं। सॉफ्ट इतने होते हैं कि इनको जो है हम नाइफ से यानी चाकू से भी काट सकते हैं मेटल्स को। चलिए, तो तीसरा पॉइंट इसके अंदर आता है लस्ट्रस। लस्ट्रस मतलब चमकते हैं। चौथा आता है मेलेबल। मेलेबल मतलब एक थिन लेयर की शीट्स बना सकते हैं हम किसी भी मेटल से। जैसे आपने देखा हो कोई भी मेटल है उसको हम पीट पीट कर, कैसे, हथौड़े से पीट कर क्या बना सकते हैं? एक लंबी शीट्स बना सकते हैं। साथ ही साथ डक्टिलिटी, यानी उसको हम वायर की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो डक्टाइल होता है। लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो सबसे पहले ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर क्या बनाता है? ऑक्सीजन का ऑक्साइड बनाता है। यानी मैग्नीशियम के साथ यदि ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। यदि यही मेटल का ऑक्साइड जैसे MgO है, ये क्या है? एक बेसिक ऑक्साइड है। कैसा ऑक्साइड है? बेसिक। क्यों बेसिक ऑक्साइड है? क्योंकि यदि हम इसे वाटर के अंदर डालें तो ये एक बेस को प्रोड्यूस करता है, बेस को जन्म देता है, तो कैसा हो जाएगा? ये बेसिक हो जाएगा। साथ ही साथ जो एम्फोटेरिक नेचर के भी होते हैं कुछ ऑक्साइड मेटल के, जैसे कि जिंक हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, ये सब क्या होंगे? एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक मतलब जो एसिड के साथ और बेस के साथ दोनों के साथ ही रिएक्ट करें, उन्हें हम क्या कहेंगे? एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहेंगे। दूसरा आता है हमारे पास नॉन मेटल। नॉन मेटल क्या होते हैं? ऐसा एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन को गेन कर एनायन का फॉर्मेशन करता है, उसको हम क्या कहते हैं? नॉन मेटल कहते हैं। अब जैसे उसकी केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी, वैसे ही इस नॉन मेटल की भी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी होंगी। इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होंगी? ये जो है ब्रिटल होते हैं, सॉलिड और गैस होते हैं जनरली रूम टेम्परेचर पर, लेकिन कुछ लिक्विड भी हो जाते हैं, जैसे ब्रोमीन जो है वो लिक्विड भी हो जाता है। नॉन लस्ट्रस होते हैं यानी चमकते नहीं है, लेकिन आयोडीन क्या है? वो शाइन करता है। लेकिन क्या होते हैं वो? साथ ही साथ नॉन सोनोरस यानी साउंड प्रोड्यूस नहीं करते हैं। मेलेबाइल नहीं होते हैं, डक्टाइल नहीं होते हैं, यानी वायर्स नहीं बना सकते इनकी, ये उसकी बजाय, वायर की बजाय यदि किसी भी हथौड़े से मारा जाएगा, जैसे कांच का ग्लास हो गया, तो यदि उसको आप हथौड़े से पीटने लगोगे तो वो टूट जाएगा, चकनाचूर हो जाएगा, लेकिन एक थिन शेड में कन्वर्ट कभी भी नहीं होगा। तो क्योंकि नहीं होगा, क्यों? ये मेलेबाइल नहीं होते हैं, डक्टाइल भी नहीं होते हैं, क्लियर है? साथ ही साथ ये गुड कंडक्टर नहीं होते हैं, किसके? हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, यानी हीट और इलेक्ट्रिसिटी इनके अंदर से पास नहीं होगी। चलिए, तो इन दोनों के बीच में जो आता है वो होते हैं मेटलॉइड। मेटलॉइड क्या होते हैं? मेटलॉइड ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो मेटल और नॉन मेटल दोनों की ही प्रॉपर्टी को शो करें। क्या क्या एग्जाम्पल होंगे इसका? एग्जाम्पल होगा सिलिकन, जर्मेनियम, टिन, एस्टेटिन, ये सब इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे, ठीक है बेटा। तो इसके बाद बात आती है इसके अंदर कि आयनिक कंपाउंड और इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड। लेकिन उससे पहले हमें कुछ ऐसी केमिकल प्रॉपर्टी और जाननी पड़ेंगी मेटल्स के बारे में जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। जैसे सबसे पहला रिएक्शन विद एसिड। कोई भी मेटल जो है एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, क्या बना लेगा? सॉल्ट बनाएगा और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। अब इस हाइड्रोजन गैस को चेक करने के लिए हम क्या करते हैं? एक कैंडल ले लेते हैं, कैंडल के ऊपर जाकर जैसे ही हाइड्रोजन रिएक्ट करेगी तो वहां पर एक पॉप साउंड क्रिएट होगी, यानी जैसे पटाखा फटता है उस तरीके से एक पटपट की साउंड आपको क्रिएट होगी, तो उससे आप बता सकते हैं कि हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज हुई है। सेकंड पॉइंट इसके बारे में क्या है कि मैग्नीशियम और मैग्नीज ही दो ऐसी गैस हैं जो HNO3 के साथ यानी नाइट्रिक एसिड के साथ कंबाइन होने पर भी H2 देती हैं, यानी हाइड्रोजन देती हैं। बाकी सब क्या करती हैं? क्योंकि HNO3 क्या है? एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो वो H2 ना देकर H2O यानी वाटर देने लगती हैं। चलिए,
एक एक्वा रेजिया नाम का एसिड होता है जिसके अंदर क्या होता है, कंसेंट्रेटेड HNO3 और कंसेंट्रेटेड HCl होता है। जो HCl होता है वो कितना हिस्से में होता है, 3, और जो HNO3 है वो 1:1 में होता है, यानी 3:1 या 1:3 हो जाएगा, जिसके अंदर 3:1 जो है वो किसका है, HCl का, कंसेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, और जो कंसेंट्रेटेड HNO3 है वो उसके कंपेरिजन में एक हिस्सा प्रेजेंट है। चलिए अब इस एक्वा रेजिया के बारे में एक खास बात यह है कि ये जो है गोल्ड को भी अपने अंदर सोल्यूबल कर लेता है, यानी यदि आप इसके अंदर गोल्ड भी डालोगे ना तो वो भी इसके अंदर डिसॉल्व हो जाएगी। क्या हो जाएगी बेटा, डिसॉल्व हो जाएगी। चलिए आगे दूसरी रिएक्शन आती है कि वाटर के साथ, वाटर के साथ कैसे कोई मेटल रिएक्ट करता है। जनरली वाटर के साथ कोई भी मेटल रिएक्ट कर उसका ऑक्साइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। अब इसके अंदर जैसे सोडियम हो गया या पोटेशियम हो गया, वो तो बहुत तेजी के साथ रिएक्ट करते हैं, किसके साथ, वाटर के साथ, और ठंडे पानी के साथ ही रिएक्ट कर जाते हैं, यानी कोल्ड वाटर के साथ ही रिएक्ट कर जाते हैं। लेकिन यदि हम कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम जो है बहुत तेजी से नहीं रिएक्ट करता, किसके साथ, कोल्ड वाटर के साथ, लेकिन रिएक्ट करता है। इसके बाद जो आती है वो आती है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम क्या है, हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है, यानी थोड़ा पानी गर्म होना चाहिए तभी मैग्नीशियम जो है रिएक्ट कर अपना ऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगा। उसके बाद बात आती है यहाँ पे एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक की, ये तीनों क्या करती हैं, स्टीम के साथ रिएक्ट करती हैं, स्टीम माने भाप के साथ रिएक्ट करती हैं, तो भाप होगी तभी ये रिएक्ट कर कुछ ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर पाएंगी। चलिए और लास्ट होता है कि PbCu और AgAu, यानी लेड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ये क्या होंगी, कभी भी रिएक्ट नहीं करेंगे, किसके साथ, पानी के साथ, वाटर के साथ रिएक्शन शो नहीं करेंगी। उसके बाद बात आती है आयनिक और कोवलेंट कंपाउंड, यानी जो ये मेटल्स हैं और नॉन मेटल्स हैं, इनके बारे में तो हमने जान लिया, अब हमें जानना होगा कि ये किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, किस तरीके से एक दूसरे के साथ रिएक्शन करते हैं। तो कोई भी मेटल नॉन मेटल के साथ यदि कंबाइन हो रहा है तो वो क्या करेगा, मेटल का काम होता है इलेक्ट्रॉन देना, तो मेटल क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को देगा। जैसे यहाँ पर सोडियम क्या है, एक मेटल है, इलेक्ट्रॉन देकर क्या बनाएगा, कैटायन बनाएगा, जबकि जो नॉन मेटल है वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है, अगर वो इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है तो वो इलेक्ट्रॉन लेकर क्या बनाएगा, अनायन बनाएगा, और यही कटायन और अनायन आपस में कंबाइन होकर क्या बना लेते हैं, एक आयनिक कंपाउंड बना लेते हैं। अब आयनिक कंपाउंड में जो ये बनना है, यानी NaCl जैसे आयनिक कंपाउंड होता है, वो बनता है Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव से। अब जो ये इलेक्ट्रॉन Na ने दिया है वही इलेक्ट्रॉन ये Cl ले लेगा, यानी आयनिक बॉन्ड जब भी बनेगा तो क्या होगा, कंप्लीट ट्रांसफर होगा किसका, इलेक्ट्रॉन का, कहां से, मेटल से नॉन मेटल, यानी एक मेटल होगा जो इलेक्ट्रॉन देगा, एक नॉन मेटल होगा जो वो इलेक्ट्रॉन दिया है जिस मेटल ने, उससे इलेक्ट्रॉन लेगा और लेकर क्या बना लेगा, उसके साथ एक आयनिक इंटरेक्शन के साथ बॉन्ड बना लेगा। क्या बना लेगा, आयनिक इंटरेक्शन के साथ बॉन्ड बना लेगा। इसके बाद जो रिएक्शन आती है वो इसके अंदर आती है सबसे इंपॉर्टेंट, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में अंदर क्या होता है, मेटल जो है वो किसी भी उसी मेटल के सॉल्ट के साथ रिएक्ट करता है, यानी जैसे हमारे पास जिंक एक मेटल है, यदि मैं उसको डिप कर दूं कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में, तो वहां पर आपको दिखेगा कि जिंक जो है उस कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, उस कॉपर को हटा देगा और उसकी जगह खुद बॉन्ड बनाकर एक कंपाउंड का फॉर्मेशन कर लेगा, वो कंपाउंड क्या होगा, एक सॉल्ट होगा, और वो जो मेटल है जो उसके साथ पहले सॉल्ट बना रहा था उसको फ्री करेगा, उसको आजाद कर देगा, क्लियर है, उसके सॉल्ट से। ऐसा कब होगा, ऐसा तब होगा जब आने वाला मेटल जो है ज्यादा रिएक्टिव हो उस मेटल से जो ऑलरेडी सॉल्ट का फॉर्मेशन कर रहा हो। उसके लिए हमें जानना होगा कि कैसे हम किसी भी पर्टिकुलर मेटल की रिएक्टिविटी के बारे में बता सकते हैं, समझ सकते हैं या जान सकते हैं। तो उसके लिए हम एक चीज डिफाइन करते हैं, क्या, जिसको हम रिएक्टिविटी सीरीज बोलते हैं। किसी भी मेटल की जो है एक रिएक्टिविटी सीरीज होती है जिसके अंदर मेटल जो है अरेंज किए जाते हैं, जैसे पोटेशियम, फिर उसके नीचे आता है सोडियम, फिर कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, फिर उसके बाद आता है आयरन, फिर आता है लेड, फिर हाइड्रोजन, फिर उसके बाद आता है कॉपर, फिर उसके बाद आता है मरकरी, फिर एजी, फिर एयू यानी सिल्वर, और फिर लास्ट में आ जाएगा गोल्ड। इसके नीचे प्लेटिनम भी आता है, यानी प्लेटिनम जो है सबसे कम रिएक्टिव होगा और सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन हो जाएगा, पोटेशियम। तो ये इसका रिएक्टिविटी का ऑर्डर हो जाता है, जैसे आप ऊपर से नीचे जाते हो तो रिएक्टिविटी यहाँ पर घटने लगती है, यानी ज्यादा रिएक्टिव होगा तो वो उसको डिस्प्लेस कर देगा, किसको, लेस रिएक्टिव मेटल को उसके सॉल्ट से। जैसे यहाँ पर जो है ये जो कैल्शियम है वो ज्यादा रिएक्टिव है तो वो एल्यूमिनियम का कोई सॉल्ट होगा उससे हटाकर अपना सॉल्ट बना लेगा। इसी तरीके से यदि जिंक और आयरन हो तो जिंक ज्यादा रिएक्टिव है यानी ऊपर है तो वो आयरन के सॉल्ट में से आयरन को हटा देगा। इसी तरीके से यदि कॉपर और मरकरी का ले लिया तो कॉपर जो है वो मरकरी को उसके सॉल्ट से हटा देगा। लेकिन उल्टा पॉसिबल नहीं है, यदि हम ऐसा ले लें
कि हम आयरन लेने और एक जिंक सल्फेट लेने, यानी जिंक का सॉल्ट ले लिया और आयरन ले लिया। अब आयरन क्यों है, लेस रिएक्टिव है, लेस रिएक्टिव है तो वो जिंक को कभी भी, जिंक को वो कभी भी हटा नहीं पाएगा। क्लियर है? तो इस तरीके से जो है हम समझ सकते हैं कि कैसे हम किसी एक मेटल को बता सकते हैं कि वो दूसरी मेटल को डिस्प्लेस करेगा या नहीं करेगा। ठीक है बेटा, तो चलिए इसी तरीके से हमने जो है माइंड मैप को अच्छे से क्लियर कर दिया है। अब इसका माइंड मैप का वन शॉट जो है आप देख सकते हैं। कहां देख सकते हैं? आप देख सकते हैं मैजिक बॉक्स के अंदर, साथ ही साथ इस चैप्टर के, कौन से चैप्टर के, मेटल एंड नॉन मेटल के, या फिर बाकी जो चैप्टर है जैसे कार्बन एंड कंपाउंड हुआ, एसिड बेस हुआ, या फिर आपका केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन हुआ, तो सबके जो वन शॉट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो न्यू पैटर्न पर आए हैं, वो भी आपको मिल जाएंगे मैजिक बॉक्स के अंदर। तो मैजिक बॉक्स के अंदर जाकर देखें अच्छे से और अपने एग्जाम के लिए बेहतरीन तरीके से तैयारी करें। चलिए बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और मैजिक बॉक्स का आनंद उठाते रहें।